Adding nothing possible. Unit of complementation.
Some engines which have two or more polypeptide chains. And two complement activation sites. Which have two complementation are from one complex. Adding value operons. Operons kya hota hai? Suna hoga na? Jacob and Conrad. Leg operon. Suna? Good. Operon ka matlab hota hai jab bahut sare gene milke ek kaam karte hain. Yani sab gene ka generally function kya hota hai? लेकिन एक जीन अकेले डायरेक्टली प्रोटीन को नहीं करती, बाकी जीन उसके फॉर्मेशन को कंट्रोल करती। जैसे आपने पढ़ा होगा लेग ओपेरॉन का जो होता है, उसमें आपने देखा यह होता है आईपोस इनहिबिटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, और स्ट्रक्चरल जीन के तीन हिस्से होते हैं, है ना। स्ट्रक्चरल जीन के तीन हिस्से हो जाते हैं जेड वाई ए, इसी फॉर्म का। तो क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम फॉर्म करता है, और बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम क्या करेगा, ग्लूकोज को है ना ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे इनहिबिटर जीन क्या करता है, एक इनहिबिटर बना देता है, एक इनहिबिटिंग प्रोडक्ट बना देता है। ये इनहिबिटर जाकर के ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा। अगर ये ऑपरेटर से बाइंड हो गया तो यहाँ जो राइबोसोम था वो आगे मूव नहीं करता, आगे मूव नहीं करेगा तो यहाँ जो बनने थे एंजाइम्स वो नहीं बनेगा। तो इसका मतलब अभी सिस्टम क्या है, ऑफ, स्विच ऑन। अगर हमने इस बैक्टीरिया को कहाँ डाल दिया, इसमें लैक्टोज क्या डाल दिया, लैक्टोज शुगर डाल, तो वो लैक्टोज शुगर इस इनहिबिटर से बाइंड हो जाएगा। देखो कोई भी खाली होता है ना तो कहीं भी जाके किसी से भी जुड़ जाता है और किसी का भी काम करा देता है। जो चीज खाली है, जो चीज बाइंड हो गई है, आप अब नहीं जाएंगे, अभी ऑपरेटर के पास जाएगा नहीं, ऑपरेटर के पास जाएगा नहीं, या अगर रास्ता क्लियर है तो राइबोसोम आगे जाएगा, आगे जाएगा तो ये प्रोटीन फॉर्मेशन। कुल मिलाकर काम क्या करना था, इनहिबिटर को रिप्लेस करना, कर दिया, तो अब सिस्टम क्या होगा, हाँ गया ठीक। तो ये लैग ओपेरॉन इसलिए बोला जाता है, ओपेरॉन मतलब बहुत सारे जीन मिल करके क्या कर रहा है, जीन को प्रोटीन फॉर्मेशन को कंट्रोल कर। लैग क्यों बोला, क्योंकि लैक्टोज का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, इसलिए उसको लैग ओपेरॉन ठीक ग्रुप ऑफ जीन, the group of genes
which controls protein formation. Controls protein formation is called homeostasis. Generally, ovum consists operator gene and structure. आगे हेडिंग डालो रेप्लिकॉन, ये हो गया कंप्लीट। एग्जांपल क्या हो तो ले लो भाई, लेवल पे लो ठीक है, बाकी वो बाद में समझाएगा। हेडिंग डालिए रेप्लिकॉन और रेप्लिकॉन में नहीं लिखो क्योंकि ये कुछ बताओ क्या होता है रेप्लिकॉन, क्या होता है रेप्लिकॉन, ये लिखवानी पड़ेगी और मैं पढ़ के देखना कॉपी के पीछे लिखा होगा या नहीं, क्या होता है रेप्लिकेशन, हाँ रिकॉम्बिनेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट रिकॉल होती है क्या, मैंने कहा रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन रिकॉल कैसे होता है, क्या हाँ साइट ऑफ रेप्लिकेशन इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, डीएनए का वो पार्ट जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, है ना, पिछली यूनिट में मिलेगा यहाँ जल्दी चार घंटे के पंद्रह घंटे में निकलेगा और पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है जी, पढ़ लिया ना तो कभी घर जाके पढ़ाई शुरू करी नहीं शायद, ये बहुत जरूर है याद ही नहीं है चलिए रेप्लिकॉन, तो एक पार्ट ऑफ डीएनए द पार्ट ऑफ डीएनए व्हिच इज ओरिजिन साइट ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन साइट ऑफ रेप्लिकेशन इज कॉल्ड रेप्लिकॉन, रेप्लिकॉन और रिकॉन में अंतर है ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना, हेडिंग हेडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ जीन्स, वेरियस टाइप्स ऑफ जीन, वेरियस टाइप्स ऑफ जीन, बहुत सारे जीन नई नई जीन ढूंढने को मिली, देखने को मिली, जंपिंग जीन बता दी, ट्रांसपोजोन बारबरा पैटर्न को हमने ढूंढी थी, क्या होती है हाँ, या तो एक ही क्रोमोसोम में अपनी लोकेशन चेंज करेगी या एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर भी चली जाती है ठीक है, और उसका एग्जांपल किसमें देखने को मिलता है, मेल सबका है ना, चलो ये तो याद है इसका मतलब सुन लो याद, चलिए जानते हैं जीन, पहला लिखो जंपिंग जीन, जी यू एम पी आई एन जी जंपिंग जीन, लिख लिया, लिखो जंपिंग जीन और ट्रांसपोजोन, इनका दूसरा नाम होता है ट्रांसपोजोन, some special genes
were discovered by Barbara Pagliaro. Change your position. From one position, you have one locus. From one locus to another. In a chromosome. And from one chromosome to another. In nucleus. ठीक है या तो एक ही क्रोमोसोम में अपनी जगह होती थी क्या हो सकता है एक क्रोमोसोम से उनके दूसरे क्रोमोसोम पर पहुंच जाए और जब जीन इधर से उधर जाएगी तो उसका प्रोटीन फॉर्मेशन पर उसका असर पड़ेगा तो फिर वो जो प्रॉपर प्रोटीन बनाएगी उधर कोई दूसरी प्रोटीन बना जैसे हर पिगमेंट है ना जो पिगमेंट जनरली प्रोटीन है तो जो मेज है मक्का है उसने सारे दाने एक जैसे होते थे जनरली येलो होती थी लेकिन कुछ उसने ग्रीन ब्राउन रेड ऐसे करके आ गए इसका मतलब वो जीन अपने जगह से दूसरी जगह पर वहां जाके उसने अपनी प्रोटीन भी अलग कर ठीक है क्योंकि जो नेबरिंग जीन होगी उनका भी कुछ तो इफेक्ट आएगा क्योंकि अब जब जीन अपनी जगह बदलेगी तो ओवरऑल सिस्टम एक पूरा बदल गया पहले ऑपरेटर से चला आगे लिखिए रिपीटेटिव डीएनए हेडिंग रिपीटेटिव डीएनए रिपीटेटिव क्या होता है रिपीटेटिव डीएनए जो रिपीट होता है बार बार ठीक है जो ऐसे पर्टिकुलर सीक्वेंस होंगे जो बार 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 रिपीट होते हैं कहाँ रिपीट होंगे कहाँ लोकेशन होगी इनकी रिपीटेटिव डीएनए या तो सेंट्रोमियर के आसपास मिलता है या फिर टेलोमियर के आसपास मिलता है सेंट्रोमियर क्या होता है मालूम है सेंटर में लो होता क्या है प्राइमरी कॉन्फिगरेशन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड सेंट्रोमियर सेंटर में वो ही जरूरी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि कोई ये डीएनए ठीक है ये डीएनए पहली बार जब कॉन्स्टिट्यूट हुआ उसे क्या बोलते हैं प्राइमरी कॉन्फिगरेशन और प्राइमरी कॉन्फिगरेशन वाले एरिया को ही सेंट्रोमियर कहते हैं अब कोई जरूरी है वो सेंटर में हो हाँ क्योंकि क्रोमोसोम आपने पढ़ा होगा ऐसे भी होते हैं ये कंडीशन भी है और कभी कभी ये है या जे शेप में सेंटर तो नहीं है प्राइमरी कॉन्फिगरेशन जहाँ होता है डीएनए हो गया डीएनए के चारों तरफ कौन आ जाएगा क्रोमेटिन प्रोटीन क्रोमेटिन प्रोटीन और ये मिलकर के क्या बोले जाते हैं क्रोमेटिन ना क्रोमोसोम में नहीं बनता क्या बोलेंगे इसे क्रोमेटिन ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको बोलेंगे अपन सेंट्रो क्योंकि प्राइमरी कॉन्फिगरेशन है सेंट्रोमियर का मतलब हो जाएगा फर्स्ट कॉन्फिगरेशन सेंट्रल में हो गया ना कोई दिक्कत ऐसा ही एक और आगे जुट गया है यहाँ पे अब ये दो क्रोमेटिड मिल करके अब ये क्रोमोसोम
ठीक है, दोनों क्रोमोसोम क्या है, ये जो सेंट्रोमियर है इसके ऊपर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर अलग से होती है, उसे गाइनेटोम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? गाइनेटोम। अगर ये दोबारा और कॉन्स्ट्रक्शन शो कर दे तो सेकेंडरी कॉन्ट्रेक्शन कर दिया इसने ऐसे, तो अब इसे क्या को टेलोमियर हो, और टेलोमियर जैसे जैसे एज बढ़ती है इंसान की टेलोमियर एक नेम फॉर्म होता है, और टेलोमियर एक बहुत सारे टेलोमियर बनाए, बहुत सारे टेलोमियर बनेंगे तो ओल्डनेस बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देने लगेंगे, और अगर टेलोमियर कम बन रहे हैं तो टाइम तो पड़ेगा एजिंग शो नहीं होगी। जिन हाँ बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस जो होते हैं ना वो जो इंजेक्शन यूज करते हैं उसमें टेलोमेरेज को ही डाला जाता है, मेरे डायरेक्टली टेलोमेरेज ही आते हैं, दूसरे नाम से आते हैं कंपनी के नाम से आता है, बाकी कुछ ही नहीं उन्हें नाम से है ना देखा है, तो उनको दिया इसी को है ये चीज की टेलोमियर नहीं बनते। हाँ गेटोलॉजी क्या है, एक साइंस है इसका जिसमें एजिंग के कंट्रोल पर ही सारी रिसर्च की जाती है, ठीक है, और सबसे बढ़िया तरीका क्या है, नेचुरल खुश रहो, गेटोलॉजी इज अ साइंस स्टडी ऑफ लाफ्टर, और कोई सुना एक अलग चीज होती है, और सुबह 4 बजे पार्क में लेके हाहा करने एक अलग चीज है, टेलोमियर बनेगा तभी होगा, टेलोमियर बन रहा है भाई अंदर से काम ऐसा ही हो रहा है ना, प्रोटीन वो बनने नहीं देगा, क्यों, क्योंकि ये जो टेलोमियर है ये एरिया जो है सेंट्रोमियर जो है ये जो एरिया होते हैं एंड्रोक्रोमेटिन वाले होते हैं, पढ़े होंगे ना एंड्रोक्रोमेटिन न्यूक्रोमेटिन, और ये एंड्रोक्रोमेटिन वाला एरिया जो है यहाँ पे डीएनए डेंस होता है, तो डीएनए जब लूज ही नहीं है तो वह एमआरएनए नहीं बनाएगा, एमआरएनए नहीं बनाएगा तो प्रोटीन नहीं बनाएगा, ठीक, तो ये प्रॉपर काम नहीं हो पा रहे, क्या बोला चलो आगे रिपीटेटिव सबसे पहले ना माउस पर ढूंढना देखो, इन यूकैरियोट्स सेल्स है एक्स्ट्रा डीएनए कॉपीज, इन विच सीक्वेंसेस आर सिंपल, इन विच सीक्वेंस किसे सीक्वेंस होंगे, in which sequences are simple and they occur at telomere and centromere and centromere and heterochromatin zone, heterochromatin
copy of the are called repetitive genes, which are non-transparent. Transcribed genes. Is clear? Again, repetitive sequences have RNA, mRNA, tmRNA, small RNA, RNA, tRNA, mRNA, and distributed protein. But directly they are not one. Directly, they are not working. Example equation. In Arabidopsis plant. Arabidopsis thaliana ek aisa plant hai jiska pura genome sequence ठीक है जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ह्यूमन के पूरे डीएनए का सीक्वेंस पता चल गया था ऐसे अरेबिडोप्सिस ऐसा प्लांट सबसे पहले उसी का पता चला हाँ अरेबिडोप्सिस इन अरेबिडोप्सिस प्लांट and yeast. In the other way, if you need to clean it, she puts it in the point of highly repetitive DNA. In repetitive ka subpart, highly repetitive DNA. Dusra naam hai satellite DNA, direct nucleic acid. Repeat
1000 times. In tandem arranged. In tandem arranged. These are called satellite. They form या they form satellite. मतलब 2 से 20 या 2 से 30 net base pairs nucleotide जो है ना वो ज़्यादा repeat होते रहेंगे, repeat होते रहेंगे. रिपीट होने के लिए वो टैंडम में रिपीट है. टैंडम मतलब एक के बाद एक रिपीट हो रहे हैं, है ना. तो ऐसे रिपीटेटिव जो डीएनए होता है फिर उसको अपन क्या बोल देते हैं, सैटेलाइट. ठीक है, हेडिंग डालें. ये हो गया रिपीटेटिव डीएनए, हो गया हेडिंग डालें कोडिंग जीन. Coding gene, CODIN. पहले क्या डाली थी, various types of gene में, jumping gene. दूसरी कौन सी डाली थी, repetitive DNA. फिर highly repetitive तो उसी का part हो गया है, ठीक है. फिर क्या डाला, coding. तो तीसरा हो गया, है ना. देखो भैया satellite DNA का question किसी किसी का है. और क्या प्रमोट हो रहा है इस साल भी? Some unique genes they code protein code CODE. Indirect means they don't code mRNA, but they don't code mRNA. Okay. Means they don't code mRNA. Means they don't code mRNA, but they form. But they form small segment of DNA. All participate in gene control. Is known as coding. Bracket will include Bishop nucleotides. Bracket will include Bishop. I go in there. But it's
करेगी या तो ये डीएनए को कोड करेगा है ना, या फिर क्या करेगा प्रोटीन या उसकी बनाएगा या प्रोटीन बनाने पे उन्हें बोलते हैं जब क्या हो देखो जंक जीव, जंक क्या होता है जनरली हमारे लिए नहीं बनाता है, सब बिशॉप और लेवल के लिए सब के लिए क्या है था ठीक है, फिर ये खुद डीएनए बनाएगा आपका वो डीएनए आरएनए बनाएगा फिर आरएनए मतलब ये डायरेक्टली आरएनए या फिर कोई प्रोटीन बन रही है कोई और जीन बना रही है उसको हेल्प कंट्रोल करेगा जीन फॉर्मेशन में सॉरी प्रोटीन फॉर्मेशन में जीन की हेल्प करेगा। आगे जंक जीन दे डोंट कोड they don't code ठीक है आगे लिखो ठीक है जंक जीन में इतना ही है बस है ना, दे अगर जनरली यू करें तो फिर उसको जल्दी ठीक है पहले भी तो कर दे जनरली अगर and in the spirit लिखो इस प्रिंट में लिखो दे अगर इन प्रोग्राम दे अगर इन प्रोग्राम आगे लिखो इसमें द नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस द नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस